पे बहुत बड़ा खुलासा करते रहे, जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी का ऑफर मेरे पास आया हुआ था। क्या ऑफर है? सिल्ली का जो है कि दिया पाती बार बार के खोज रहा था, अंततः 2 दिन तू विधायक का आदमी को लगाया गया था, और 2 दिन बाद जब मुलाकात हुआ तो मिलने के बाद स्पष्ट रूप से ऑफर किया कि बोरा के बोरा पैसा लीजिए, गाड़ी लीजिए, पहले टिकट लीजिए, स्टाम्प मारिए, डायरेक्ट सीएम से बात करिए, उसके बाद पार्टी में शामिल होइएगा। हम स्पष्ट कर दिए कि आरबीआई अभी तक कोई ऐसा छपा ही नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो को कोई खरीद सकता। छात्र के हाथ में कलम होना चाहिए, जिसके हाथों पे आज मसाल आ गया और कई छात्र का आंदोलन के दौरान अपना करियर पे धाव लग गया, किसी का आंख का रोशनी चला गया, उम्र पार हो गया, बाल झड़ गया, बाल पक गया, समय पे शादी नहीं हुआ, उसका दाव समाज में अपमानित हो रहा है, इसको होने नहीं देंगे। एक ऐसा व्यवस्था करेंगे कि जो भी समस्या हो रहा है, चाहे पेपर लीक होगा, डायरेक्ट आएंगे, सबूत देंगे, तुरंत कार्रवाई होगा। रिजल्ट में गड़बड़ी होगा, सबूत लाएंगे, आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, तुरंत कार्रवाई होगा। हर आंदोलन किए, मुख्यमंत्री आवास ग्राम विधानसभा झारखंड बंदी सब किए, जब मांग पूरी नहीं हुआ उल्टा हमारे ऊपर FIR धारा, हटवार जेल तक का सफर, लाठी चार्ज करके हॉस्पिटल आए, फिर भी नहीं हुआ तो हम कसम खाए कि भाई जब तक यहाँ नीति कानून नहीं बनेगा राज्य में, तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। इसलिए अब हम तो लड़ लिए, जहाँ अपना कर्मठता दिखाना है पूरे राज्य की जनता देख लिया, इसलिए अब हम राज्य की जनता से अपील करना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में कैंची छाप को लाइए, ताकि हम लोग राज्य के हित में नीति कानून बना करके अपना बाल को कटा सके। जब तक कैंची नहीं आएगा तब तक यहाँ के बच्चों के हित में नीति कानून नहीं बनेगा, और तब तक मेरा बाल भी नहीं कटेगा। इसलिए अगर मेरा बाल कटना है तो कैंची छाप को लाना है। तबियत आपका काफी खराब लग रहा है, से निकल रहा है आंदोलन करते करते, पहले पैंट शर्ट में नजर आते थे, आजकल वेशभूषा भी चेंज कर दिए हैं। देखिए, जो 1 सितंबर 2024 से जो हम यात्रा में निकले हैं, और जो मेरा संकल्प यात्रा है, देवेंद्र नाथ महतो का संकल्प का परिणाम है, जिसको बड़का बड़का नेता मंत्री का नाम लिए वो विकल्प का तलाश करते हुए टुंडी तक जा रहे हैं। आज देवेंद्र नाथ महतो का संकल्प का परिणाम है कि जो पहले हम लोग का खतियानी का बात करते थे, जो बोलते थे कि हम भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आज जिस उद्देश्य से जो पार्टी को छोड़े थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और आज उसी पार्टी में गए। हम डायरेक्टली पूछना चाहेंगे, अमित महतो आपके समर्थन में थे, आपके पार्टी के विचारधारा को मानते थे, लेकिन ऐसा अचानक रातों रात क्या हो गया कि वो पार्टी छोड़ के जहाँ से आए थे वहीं वापस घुस गए? देखिए, आपको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, देखिए हर कोई आंदोलन करना आसान नहीं है, बोल देने से आंदोलन नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत ही धैर्य चाहिए, बहुत ही कर्मठता चाहिए। कितना कितना मुंह में आंदोलन का आंदोलन बोलते हैं लेकिन नहीं होता है। आज देखिए, जिस पार्टी को छोड़ के आए थे और जिस आंदोलन का बात करते थे उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और उसी पे वापस चले गए, मतलब आप समझ सकते हैं। इसमें चाहेंगे, अमित महतो आपके समर्थन में थे, आपके पार्टी के विचारधारा को मानते थे, लेकिन ऐसा अचानक रातों रात क्या हो गया कि वो पार्टी छोड़ के जहाँ से आए थे वहीं वापस घुस गए? देखिए, आपको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, देखिए हर कोई आंदोलन करना आसान नहीं है, बोल देने से आंदोलन नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत ही धैर्य चाहिए, बहुत ही कर्मठता चाहिए। कितना कितना मुंह में आंदोलन का आंदोलन बोलते हैं लेकिन नहीं होता है। आज देखिए, जिस पार्टी को छोड़ के आए थे और जिस आंदोलन का बात करते थे उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और उसी पे वापस चले गए, मतलब आप समझ सकते हैं। इसमें कई ऐसा उदाहरण है कि हम लोग जब आंदोलन पीक पर था, बंदी हो रहा था, घेरा हो रहा था, मसाल जुलूस निकल रहा था, तब एक अलग पार्टी भी बनाए थे, रजिस्टर्ड भी हुआ था, उसको सिंबल भी मिला था। हम लोग जब चुनाव विधानसभा का चुनाव आया तो हम लोग कई बार बोले कि हमारा पार्टी में आकर के चुनाव भी लड़िए, लेकिन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुए, वो अपना जो है कि अलग रूप धारण करके थे। लेकिन जैसे ही नजदीक चुनाव आया, वो जिस रास्ता को देखे थे, जिस दरवाजा को देखे थे, जिस घर को देखे थे, वो वहाँ आपस चल गए। इससे यही प्रतीत होता है कि वो यहाँ हक अधिकार की लड़ाई लड़ने नहीं, बल्कि हमारा लड़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए, विचलित करने के लिए जिस घर में गए उस घर से ही उसको भेजा गया। सरकार के द्वारा भेजा गया था? हाँ, जिस घर से भेजा गया था उस घर में चले गए। अभी जिस घर में आप आए हैं उस घर में अभी जाइएगा ना शाम होते होते, तो उसी प्रकार वो जिस घर से आए थे उस घर में चले गए। इसके पीछे क्या राजनीति है? स्वार्थ की राजनीति है, पैसों की राजनीति? और हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर दे रहे हैं, जिस पार्टी में गए हैं
उस पार्टी का ऑफर मेरे पास आया हुआ था। क्या ऑफर है? सिल्ली का जो है कि दिया पाती बार बार के खोज रहा था, अंततः 2 दिन तू विधायक का आदमी को लगाया गया था, और 2 दिन बाद जब मुलाकात हुआ तो मिलने के बाद स्पष्ट रूप से ऑफर किया कि बोरा के बोरा पैसा लीजिए, गाड़ी लीजिए, पहले टिकट लीजिए, स्टाम्प मारिए, डायरेक्ट सीएम से बात करिए, उसके बाद पार्टी में शामिल होइएगा। हम स्पष्ट कर दिए कि आरबीआई अभी तक कोई ऐसा छपा ही नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो को कोई खरीद सकता है। कोई नोट नहीं छपा है? कोई नोट छपा ही नहीं अभी तक। अरे देवेंद्र, देवेंद्र नाथ दूसरा रहता ना, इसीलिए कहते हैं कई आंदोलन के दौरान में कई ऑफर आता है, ऐसा आंदोलन के दौरान कई कई सपना दिखाता है, लेकिन हम बार बार क्यों कहते हैं आंदोलन आसान नहीं है। अगर मेरे जगह कोई और रहता तो रात रात फ्लैट होता, गाड़ी होता, पैसा होता, सब होता, लेकिन लेकिन आज जो है कि हम सबको ठुकराते हुए इसलिए आए क्योंकि हमको ऐसा विधायक बनना नहीं है कि जा करके वीडियो मेरा बात नहीं सुने, सीओ मेरा बात नहीं सुने, डीसीएसपी मेरा बात नहीं सुने। जनता के हित में अगर जरूरत पड़े जनता का काम कराने के लिए तो डीसी रहे, एसपी रहे, वीडियो रहे, सीओ रहे, बड़ा बाबू रहे, थानेदार रहे, उसको हुकूमत करे और कहे जाइए डुमरी का गांव में जाकर के काम करिए, जाइए सिल्ली का गांव में जाकर के काम करिए, ऐसा हुकूमत चलाने के लिए आए हैं। अरे हम देखे हैं आंदोलन के दौरान में कई विधायक को बोलते थे कि कुछ सबूत सपना है मुख्यमंत्री को मिलाइए, विधायक लोग बोलता था कि हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं तो आपको कहां मिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे विधायक का क्या वैल्यू, ऐसे ऐसे विधायक का क्या औकात, ऐसा विधायक देवेंद्र नाथ महतो को नहीं बनना। सुने सुने केला, सुने केला पार्टी से भी आपको ऑफर मिला। देखिए मेरे 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 को नहीं आया, मेरे साथियों को आ रहा है कि बुलाया जाता है, आइए क्या दिक्कत है, वहाँ जाकर मुंशी करिए, वहाँ जाकर ठेकेदारी करिए, वहाँ जाइए अपना करियर सुधारिए, पैसा लीजिए, अपना बिजनेस चालू करिए, ये सब लोग ड्रामा कर रहा है, हमारे आदमी को तोड़ने का काम कर रहा हूँ। क्या लगता है देवेंद्र नाथ को सिल्ली का तस्वीर सुधार देगा? पूरी तरह बिल्कुल 100% इस बार सिल्ली की जनता का जीत हो रहा है। क्या जातिगत समीकरण आपके पास है सिल्ली की विधानसभा सीट जीतने के लिए? देखिए पूरे झारखंड का कान में हम देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे मुर्गा हो, दारू हो, चाहे कुछ भी वितरण हो, खाने पीने का दरी कुर्सी कुछ भी वितरण हो, इस बार जो है कि जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो बच्चा को बोलते हैं चुपचाप पढ़ो, स्कूल नहीं जाता है बच्चा तो डांट के बोलते हैं चुपचाप स्कूल जाओ, इसी प्रकार कोई भी कुछ भी बांटे इस बार साफ साफ सबके कान में बोलते रहे चुपचाप कैंची छाप। सुदेश महतो सुदेश महतो का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा सिल्ली में, झारखंड आंदोलन के बाद में क्या कहना? आप जिस दिग्गज नेता का सबसे ज्यादा कार्यकाल का बात किए उसका, जिसको दिग्गज बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, उसके बारे में बता दे रहे हैं कि वह सूर्यास्त होता है, लाइट करता है, रात भर लाइट नहीं आता है, ऐसा दिग्गज को हम दिग्गज नहीं मानते हैं। जिस दिग्गज नेता का बात करते हैं उस क्षेत्र में जाइए, कोई भी ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होता है, चाहे अबू आवास हो, कुआं हो, तालाब हो, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। बोल रहे हैं अरे बाजार के दुकान में कोई काम नहीं होता है, पहला आजकल ब्लॉक में भी बिना पैसा का काम नहीं हो रहा, मतलब ब्लॉक को सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बना दिया। अगर आप थाना जाइएगा, अगर 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 आप थाना जाइएगा, अगर थाना जाइएगा और अगर आपका कोई दोष नहीं है, दूध की तरह साफ है और आपका पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, फिर भी नहीं है और थाना जाएगा तो धमका के हड़का के बोलेगा ये आपका दोष है, ये आपका दोष है, और कोई सबके नजरों में दिन दहाड़े अगर कोई गलती करता है, दोष करता है, अगर उसके पास पैसा होता है, पहुंच होता है, फिर भी होता है तो उसको कुर्सी में बैठा करके, नाश्ता करा करके, चाय पानी करा करके बोला जाता है आपका कोई दोष नहीं है, मतलब जिसका दोष था उसको ना, आज जिसका ना उसको कर दिया था। सुदेश महतो कहते हैं हम सुदेश सेवा केंद्र खोला है 24/7, सुदेश के लिए सुदेश बस चला दिए और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए
क्षेत्र हाथी के आतंक से परेशान है, जान जा रहा है, किसान का फसल को रौंदा जा रहा है, जान जाने से बड़ा कोई घटना नहीं हो सकता है। आज तक एक विचार भी क्यों नहीं हुआ, कहीं मनन चिंतन भी नहीं हुआ, पहला। दूसरा, वीडियो सीओ आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, खुलियाम पैसा मांगता है, खुलियाम पैसा लेता है, बिना पैसा कोई काम लेते है। तीसरा चीज, आप जितना पहले सिंचाई का साधन था, नहर था, कुआं था, तालाब था, सब बर्बाद हो गया। अब जाके देखिए, सब नहर जो है कि खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, पानी नहर पे दौड़ नहीं रहा। तो आप सिंचाई का आप साधन बर्बाद कर दिया। हम लोग जैसे ही आएंगे, हम एकदम ब्लू प्रिंट तैयार कर रखे हैं, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार देंगे और किसी का 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे। इसका ब्लू प्रिंट तैयार है, देखिए क्यों कैसे। ढेकी का कूटा चावल सबको पसंद है, सबको खाना अच्छा लगता है, लेकिन ढेकी का चावल कहीं मिल नहीं रहा है। इसलिए प्रत्येक पंचायत में 10-12 ढेकी सेंटर बनाएंगे। आसपास के महिला लोग को 2 घंटा 4 घंटा जितना फुर्सत होगा उतना उसको धान सुखाएगी जाके, धान भिंजाएगी साथ के जाकर, और ढेकी कूट के चावल बना के जाके जियो जितना समय देगी उसको उसी हिसाब से वेतन देंगे, 8,000-10,000। उसके बाद जो है कि आगे सब्जी का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके हम लोग बाहर भेजेंगे, वहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। आलू जो 5-10 रुपए में बिकता है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैकेट बनाएंगे, साबुन का, पत्तल का, अगरबत्ती का, माचिस का, ऐसे तरह तरह का छोटा छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का स्थापना करेंगे और उसी क्षेत्र में हम लोग रोजगार का स्थापना करेंगे। अंत में आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, छात्र आंदोलन से उभरते हुए सितारे हैं, तो छात्र के हित में अगर आप आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, छात्र के हित में किस प्रकार का आप काम करेंगे? जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किए, चूंकि राज्य के तमाम छात्र इस बात को सुनना चाहते हैं। जो आंदोलन कराए, जिस जो छात्र के हाथ में, अंत में सिल्ली के वासियों को क्या संदेश दिया, सिल्ली का विधायक कैसा हो, नरेंद्र बास कैसा हो, सिल्ली का विधायक कैसा हो, नरेंद्र बास कैसा हो, सिल्ली का विधायक कैसा हो, सिल्ली का जनता से हम कहना चाहेंगे कि आगामी 28 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार अभी तक प्यार, हौसला, आशीर्वाद दे करके जो हमारा ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उस ऊर्जा से आज हम राज्य के लिए लड़ते हैं, वही ऊर्जा आपको 28 तारीख को शामिल होकर के हमारा बढ़ाए। और साथ ही साथ इस बार सिल्ली क्षेत्र चूंकि एक तरफ धन बल है, दूसरी तरफ जन बल है, तो लोकतंत्र में जन बल का सम्मान है, जन बल को पूजा किया जाता है, तो जन बल का सम्मान करते हुए इस बार जो है कि पूरी तरह जो है कि हम लोग का क्षेत्र जन बल को जिताते हुए इस बार चाहे दरी बटे, कुर्सी बटे, मुर्गा बटे, दारू बटे, ये इस जाल में नहीं फंसना है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। ये फिर भी जो है कबूतर फंसते थे, लेकिन कबूतर से इंसान अलग है, इसीलिए शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन इंसान है, दाना को खाएंगे लेकिन जाल में फंसेंगे नहीं, इस तरीके से जो है कि सबको ये करें। तो ये था हमारे साथ में देवेंद्र नाथ महतो, जो छात्र आंदोलन है, इस बार सिल्ली के विधायक बनने जा रहे हैं, तो इनको जीत के अग्रिम बधाई देते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जोहार।